Yes, dear learners, this is part 9 of common errors. So, common errors part 9. ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है. ये सेंटेंस जो मैं आपको अभी देने जा रहा हूं वो सेंटेंस है, वन मस्ट बी ऑनेस्ट इफ वन वांट्स हिज अल्टीमेट सक्सेस. सेंटेंस है, वन मस्ट बी ऑनेस्ट इफ वन वांट्स हिज अल्टीमेट सक्सेस. आप हमेशा याद रखेंगे कि जो सेंटेंस वन से स्टार्ट हुआ है उसमें हिज वर्ड आना नहीं चाहिए, हमेशा उसमें वन 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 ही आएगा. जैसे वन मस्ट बी ऑनेस्ट इफ वन वांट्स, ये मिस्टेक हो गया. If one wants one's ultimate success, one's apostrophe is, तो one must be honest if one wants one's apostrophe is. पजेसिव केस हो जाता है, one's ultimate सक्सेस. तो हुआ ना वन वन वन. वन वाले सेंटेंस में हिज हर हिम वगैरह का कोई जगह नहीं होगा. ओके, सेकेंड है हमारा, सेकेंड सेंटेंस है, दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड आई. ठीक है, दिस इज एन understanding between you and I. Okay. तो हमेशा ये याद रखेंगे कि लास्ट में आई नहीं होगा. This is an understanding between you and me. यहाँ पे आई नहीं हो जाएगा ऐसे सेंटेंस में. तो ये भी हुआ क्लियर. थर्ड टाइप में आपका एक सेंटेंस आ रहा है, यू कैन हैव एनी वन ऑफ दीज टू बुक्स. यू कैन हैव एनी वन ऑफ दीज टू books. You can have any one of these two books. तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, book कितने हैं? Two हैं. और two के लिए आपको हमने पहले ही बोल चुका है कि either सिर्फ दो के लिए होता है. तो any one की जगह आपको क्या लगा देना है? Either लगा देना है. And your sentence is correct. Your sentence is right. कैसे? तो देखिए, you can have either of these two books. हो गया सेंटेंस राइट. यहां पे एनी वन, जब ज्यादा बुक होता, सिर्फ बुक्स होता, दीज बुक्स, तो आप एनी वन लगा सकते थे. लेकिन यहां बात आ गई टू की, तो आपको देना है आइदर. और इसी सेंटेंस को हम लोग फिर तोड़ करके देखते हैं आगे. इसका इसमें भी मिस्टेक हो सकता है और आपको करेक्शन करना पड़ सकता है. ये जैसे नंबर फोर, यू कैन हैव
either of these books. तो यहां भी मिस्टेक है क्योंकि these books दो के लिए either का यूज होगा, तो यहां तो टू दिया हुआ नहीं है, बहुत सारे बुक्स हैं, तो यहां पर आप लगा देंगे एनी. यू कैन हैव एनी वन ऑफ दीज बुक्स. ओके, नेक्स्ट एक सेंटेंस आपका आया हुआ है. He is one of those persons who cannot describe what he feels. Very important one. Why? He is one of those persons. He is one of those persons who cannot describe, who cannot describe what he feels. Very important one. यहां पे आप देखिए, he is one of those persons, उन लोगों में से एक है, वह उन लोगों में से एक है जो अपना अनुभव को व्यक्त नहीं कर सकता है. तो जो अपना अनुभव को व्यक्त नहीं कर सकता है, तो फिर ये ही किसके लिए हुआ? ये ही एक है, सिंगुलर नंबर है, ये उन लोगों में से है, दोज पर्सन्स जो अपने व्यक्त, जो अपने अनुभव को व्यक्त नहीं कर सकते हैं. तो यहां पे आपका दोज पर्सन्स के अनुसार आपका इधर आ जाएगा सब्जेक्ट. तो व्हाट या ही था, तो हम लोग करेक्शन कर देते हैं. ही इज वन ऑफ दोज, ही इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु कैन नॉट डिस्क्राइब, हु कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट. हो जाएगा दे, दीज पर्सन्स के अनुसार व्हाट दे हुआ, तो ये फील्स भी चेंज हो जाएगा, तो फील हो जाएगा व्हाट दे फील. ये हुआ करेक्ट सेंटेंस. तो ही इज वन ऑफ दोज पर्सन हु कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट ही फील्स, रॉन्ग है. ही इज वन ऑफ दोज पर्सन हु कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट दे फील. ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, Let you and I go there. Let you and I go there. तो let जब आएगा तो सीधा आप us कर दीजिए. Let us go there. ये sentence correct हुआ. एक और सेंटेंस और आया है, दो थाउजेंड ऑफ बुक्स, थाउजेंड ऑफ बुक्स आर अवेलेबल, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल, अवेलेबल ऑन लिटरेचर इन द Burville, in the Burville degree college. अगर ये सेंटेंस आया इस तरीके का, thousand of books are available on literature in the Burville degree college. Okay. तो आप हमेशा याद रखेंगे ये thousand आ गया,
आ गया तो इसके बाद का वर्ब सिंगुलर होगा, आर नहीं हो करके इज होगा। जैसे थाउजेंड, आपको बताया था प्रीवियस एपिसोड में, ये सब क्लियर कर चुका हूं कि अमाउंट जैसे 20 रुपीज नहीं था, 20 रुपी था। तो थाउजेंड ऑफ बुक्स अगर आया तो ये सिंगुलर नंबर में काउंटिंग होगा और इसका वर्ब होगा आर नहीं होकर के इज होगा। थाउजेंड ऑफ बुक्स इज, थाउजेंड ऑफ बुक्स इज अवेलेबल ऑन लिटरेचर इन द बर्विल डिग्री कॉलेज। जनरली यहां पे मिस्टेक बहुत होता है, थाउजेंड ऑफ बुक्स ये हमेशा सिंगुलर नंबर में काउंट होकर के चलेगा, थाउजेंड। नेक्स्ट है द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। तो यहां पे हम ऐसा रखेंगे कि ये मेटेरियल नाउन के साथ कभी भी द नहीं लगाएंगे। गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। वन थिंग मोर, आई वुड लाइक टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू पीपल ऑल, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।